तो चलिए बात करते हैं सिल उडारिया के बारे में। उडारिया में आसमा ने एक पेपर पर कुछ लिखा। जी हाँ, जब अरमान ने ये कहा कि खुद से लिख कर दो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें इलाज की जरूरत है, इस बार आसमा ने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से अरमान को ये बात तो समझ में आ गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर अब जो है एम्बुलेंस आती है और आसमा को अपने साथ लेकर जा रही है, लेकिन ये नकली एम्बुलेंस है, नकली नर्स है, नकली लोग हैं। और यहीं पर बीच रास्ते में बलविंदर जो है वो एक सुई इंजेक्शन जो है वो आसमा को दे देता है। आसमा भागने की कोशिश करती है बलविंदर को देखने के बाद, लेकिन वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद आसमा को गायब कर दिया जाएगा। जी हाँ, आसमा कहाँ गई, किधर गई, किसी को पता नहीं चलने वाला है। अरमान आसमा के पीछे जाएगा। आपको बता दें कि अरमान जो है वो आसमा को ढूंढेगा, सब और ढूंढेगा, लेकिन यहाँ आसमा नहीं मिलेगी। आलिया का जो मकसद था अरमान और आसमा को दूर करने का, वो मकसद वो पूरा हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेहर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मेहर को ऐसा लग रहा है कि उसके पापा की वजह से आज उसकी मम्मी जो है उससे दूर चली गई है। कहीं ना कहीं मेहर जो है वो अब बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेगी अपने पापा के साथ। यहाँ पर अब आसमा का पता नहीं चलेगा, आसमा गई तो कहाँ गई। अब आपको बताते चले कि शो में लीप आने वाला है, शो में लीप आएगा मेहर और हानिया, ये दोनों बड़ी होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या होगा आसमा का, क्या आसमा जो है वो आलिया का सच ला पाएगी आगे, या फिर आसमा को ये बात मालूम चल जाएगी मेहर जो है उसी की अपनी बेटी है। क्या होता है ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से।